जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, मेरे नाथ यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है, बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ, यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा परम मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभु अब बहुत हो चुका। नाथ अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का उपाय तो सुनता हूँ पर उसका आचरण भी मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव हे दया सागर, अब मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो करो। शांति यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है तो फिर मेरी कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो। और यदि तुम्हारी इच्छा से शांति नहीं मिल रही हो तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं। यह अशांति ही मेरा परम प्रिय धन है, मैं ऐसा अनुभव करने लगूं, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है, मैं तुम्हारी वस्तु हूँ, तुम जैसे रखना चाहो वैसे ही रखो। यह है प्रेम मिश्रित भाव की प्रार्थना। यह नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए, तो फिर यह कामना सीधे शब्दों में करके यही मांगना चाहिए कि हमको शांति दो नाथ, शांति चाहिए। शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ और करता हूँ। यदि उन पर विश्वास न होता हो तो यह भी उन्हीं से कहिए, उन्हीं से पूछिए, नाथ कहाँ से विश्वास लाऊं, पैसे से खरीदने की चीज़ तो यह है नहीं। तुम कह सकते हो उपाय बतलाता हूँ उसे करो, पर नाथ उपाय पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। सुन लेता हूँ, यत्किंचित करने की चेष्टा भी करता हूँ, पर वे मुझसे हो ही नहीं पाते, ठीक मौके पर फेल हो जाता हूँ। अब तुम ही बताओ नाथ क्या करूँ। यदि तुम कहो कि काम क्रोध लोभ को मेरे बल पर डांटो तो नाथ मेरा आपके बल पर भी यथार्थ विश्वास नहीं होता, क्या करूँ। सोचकर देखिए, हृदय की बात हम किससे कहें, कौन ऐसा है जो सर्वसमर्थ है और हमारी सहायता कर सकता है। तो यही उत्तर मिलेगा, एक प्रभु ही ऐसे हैं, उनमें शक्ति की कमी नहीं, वे हमारे मित्र भी हैं तथा उन्हें हमारी इस घृणित दशा का पूरा पूरा पता भी है। फिर उनको छोड़कर किसी और की शरण में जाएं। सूरदास जी ने गाया है कि तुम तजी और कौन पे जाऊं, काम क्रोध लोभ से तंग आकर कहिए, काम क्रोध लोभ ये तीनों क्या नाथ आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। नहीं हैं, आपको यह पता भी है कि इसको ये तंग करते हैं, आप मेरे मित्र भी हैं तथा आप में इन्हें मार डालने की शक्ति भी है, फिर मेरी ऐसी घृणित दशा क्यों है नाथ। मैं नहीं जानता, आप ही जाने। सार बात यह है कि किसी प्रकार भगवान से जुड़िए, चाहे सकाम भाव से ही सही। आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बतला रहा हूँ, बहुत ही मर्म की बात है कि जैसे एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है, भगवान में नाम नामी देह देही का भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवत वचनों पर कुछ ना कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नास्तिक को समझाना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अब इसके अनेक अर्थ होते हैं, एक यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो मेरा नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूँगा। अच्छी बात है, नाथ मुझसे निरंतर नाम नहीं लिया जाता, मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है तो एक बार बदले में आपने मेरा नाम लिया होगा। अब यदि यह प्रश्न होता है कि तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यों ही निकल गया था, तो ठीक है, आपने भी बदले में एक बार वाणी से ही मेरा नाम लिया होगा, पर नाथ आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। आप मेरे नाम लेने के बदले में
केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं तो मेरा निश्चय ही उद्धार हो गया।